वन वेलकम बैक टू दिस चैनल और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो टेस्ट बुक का मॉक है तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एस पे प्यो मीन्स या किसी भी मीन्स लेवल टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक को प्रेफर करना चाहिए या नहीं तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो ये मैंने मॉक दिया है और अराउंड मैं फोर टू तो फाइव मंथ मन, सिक्स मंथ के बाद मॉक दी हूँ और कुछ भी पढ़ा वढ़ा नहीं था बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए दे रही थी कि क्या देना चाहिए कि नहीं तो अकॉर्डिंग टू तो मी आप देख सकते हो कि रीजनिंग और कॉन्स तो थोड़ा ठीक ठाक रहा ये तो मैंने किया ही नहीं और इंग्लिस में बस लास्ट लास्ट हो रहा था मुझे मन नहीं कर रहा था देने का तो बस जैसे तैसे निपटाई तो स्कोर अच्छा नहीं रहा है और अदरवाइज देखा जाए तो बिल्कुल ये मौक देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में जो लेवल हो रहा है रीजनिंग और कॉन्स mm -hmm. का वो ईजी किया जा रहा है पहले की तरह नहीं है कि हार्ड ऑफ हार्ड या हार्डेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको इजी क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा इजी क्वेश्चन है कौन सा हार्ड क्वेश्चन है तो आप चूज़ ही नहीं कर पाओगे और चूज़ नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में बनाने में प्रॉब्लम होगा तो इसीलिए इजी क्वेश्चन भी बनाना चाहिए और ईजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेस्ट सोर्स मुझे लगता है यही है और बाकी आप एक इजी टेस्ट और एक हार्ड टेस्ट मिक्स करके दो ये कंबाइंड अप्रोच रखना चाहिए सिर्फ इसी पे भी नहीं डिपेंड करना चाहिए ना ही सिर्फ हार्ड पे भी डिपेंड करना चाहिए ओके okay? तो हार्ड टेस्ट के लिए पीएम और ओबी का टेस्ट आप प्रेफर कर सकते हो और इजी के लिए टेस्ट बुक इज़ द बेस्ट सोर्स आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो बिटाओ यानी पी कुछ भी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है पी कोर्स ये वो आप चुपचाप टेस्ट पे रिलाई कर सकते हो एटलीस्ट फॉर द मेंस बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि मैं खुद करती हूँ मुझे खुद पता है और आप सामने से देख सकते हो कि आप अगर टेस्ट पे रिलाई करते हो तो आप अपने आप को डेली बेसिस पे एक टाइम लिमिट के अंदर ही प्रैक्टिस करना सीख सिखा लेते हो अपने आप को प्रैक्टिस करवा देते हो तो एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगा अदरवाइज आपको क्वेश्चन चूज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और जब तक टेस्ट देने का यही फायदा है कि आप क्वेश्चन चूज करना सीखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ते चला जाएगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन को पिक कर लोगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा तो वो काम ना हो इसलिए इजी हार्ड सब टाइप का एक आप कंबाइन अप्रोच मिक्स करके क्या करो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम निकालना है ये नहीं करना है कि हाँ टेक्स्ट बुक अच्छा है तो पी अच्छा है हमको प्रमोट नहीं करना हमें बस करना है कि एग्ज़ाम निकालना तो एग्जाम निकालने की तैयारी अभी से होनी चाहिए और मीन्स का ये मत सोचो कि मीन्स अभी से नहीं करोगे मीन्स अभी से करो तभी कुछ होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे होता है क्या है कि अगर आप प्री निकालते हो उसके बाद आपको 10 से 15 दिन मिलता है मीन्स की तैयारी करने के बिल्कुल चांसेस नहीं मिलते हाँ आपको क्वेश्चन अच्छे से आता होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगी कौन सा क्वेश्चन हम पिक करें कौन सा क्वेश्चन छोड़े तो ये सब चीज़ें ना जब आप टेस्ट दोगे अभी टाइम है तो अभी आप टेस्ट दे सकते हो मीन्स का बाद में क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता जीके पढ़ना होता है बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है तो बेहतर है कि अभी से करो और अभी से एक टेस्ट वीक में एटलीस्ट एक टेस्ट मीन्स का दे दिया करो तभी आपको अल्टीमेटली एग्जाम निकलेगा वरना प्री निकलेगा मेंस नहीं निकलेगा मेंस में कुछ मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आएंगे इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा आपको अभी से लेके चलना है तो मेरे अप्रोच के साथ रहो और फॉलो करो इस चीज़ को अभी प्री भी करेंगे मेंस भी करेंगे साथ करेंगे ओके सो स्टे ट्यून विद द चैनल और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को थैंक यू बाय टेक केयर